ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप्स ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, आई एम गीता फ्रॉम पूरण मूर्ति ग्लोबल स्कूल, कामी रोड, सोनीपत. स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास सेकंड का ईवीएस का चैप्टर 13 पढ़ेंगे. आज हम आपका कौन सी क्लास सेकंड का ईवीएस का चैप्टर 13 पढ़ेंगे, और चैप्टर का क्या नाम है? यूजफुल प्लांट्स. यूजफुल प्लांट्स यानी कि आपको पता ही है, बहुत सारे प्लांट्स प्लांट से हमें खाना मिलता है, कितनी चीजें मिलती हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है. स्टूडेंट्स, टेक आउट वन पेंसिल, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड एंड स्टार्ट्स नाउ. प्लांट्स आर कॉल्ड आर ग्रीन फ्रेंड्स बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल टू अस. अंडरलाइन द वर्ड यूजफुल. प्लांट्स क्या है? हमारे फ्रेंड है और वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, उपयोगदायक है. वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन अ गार्डन और अ पार्क. सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर अब बिग एंड स्ट्रॉन्ग. आप पार्क वगैरह में जाते हो, बाहर जाते हो, गार्डन में जाते हो, आपको बहुत सारे प्लांट दिखते हैं, लेकिन सब इक्वल तो नहीं होते. कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बिग होता है, कोई स्ट्रॉन्ग होता है. ट्रीज, अंडरलाइन द वर्ड ट्रीज. द बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो बहुत ही बड़े, लंबे और स्ट्रॉन्ग होते हैं प्लांट, वो क्या होते हैं? आपके ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं. मैंगो, नीम, बनियन, कोकोनट आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज. मैंगो का ट्री कितना बिग होता है, नीम का भी ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग और बिग होता है, बनियन का भी ऐसे ही बहुत फैला हुआ और बिग ट्री होता है. बनियन आपका क्या है? नेशनल ट्री भी है, बरगद का पेड़ जिसे हम बोलते हैं. कोकोनट का भी क्या है? बहुत ही बिग ट्री होता है, कितना लंबा होता है वो, कितना ऊंचा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. तो ये आपके क्या थे? ट्रीज के एग्जाम्पल. अब हम सब के बारे में पढ़ेंगे. प्लांट्स स्मॉलर देन ट्रीज आर कॉल्ड सब्स. अंडरलाइन द वर्ड सब्स. जो प्लांट ट्री से छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब्स. दे आर बशी एंड हैव मैनी हार्ड ब्रांचेज. उनकी क्या होती है? छोटी छोटी झाड़ियां. बशीज मीन्स जो छोटी छोटी झाड़ियां बोलते हैं, पत्ते होते हैं जिनके, छोटी छोटी टहनियां. ब्रांचेज मीन्स टहनियां होती हैं. मोस्ट सब्स लिव फॉर मैनी ईयर्स. कुछ सब्स क्या होती हैं? बहुत सालों तक रहती हैं. जैसे रोज, कॉटन एंड हीना आर एग्जाम्पल ऑफ सब. हीना क्या? जो मेहंदी का पेड़ होता है, वो छोटे छोटे ये क्या होते हैं आपके, सॉरी हीना क्या होती है? हीना एक एक क्या होता है? फूली होता है ये भी, ठीक है. तो ये क्या होते हैं आपके? छोटे छोटे ये आपके पेड़ होते हैं, सर्प्स वो जिन्हें हम बोलते हैं. अब हब्स के बारे में पढ़ेंगे. हब्स वेरी स्मॉल प्लांट आर कोल्ड. जो बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं. अब सब्स क्या थे? उससे थोड़े छोटे थे. किससे थोड़े छोटे थे? ट्री से. लेकिन ये तो बिल्कुल ही स्मॉल होते हैं हब्स. हर्ब्स आर वेरी वीक. राइस, ग्रास, स्पिनच एंड वीट आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स. अब देखो, सबके किसान के खेतों में क्या लगे हुए हैं अभी? क्या लगे हुए हैं? राइस के लगे हुए ना. ये देखो राइस के की पिक्चर है, राइस लगे हुए ना. तो राइस क्या होते हैं? बहुत ही पतले पतले होते हैं और ये छह महीने के लिए ही होते हैं. इनका टाइम भी कम होता है. स्पिनच मीन्स पालक और वीट मीन्स गेहूं के पेड़. छोटे छोटे इनकी बालियां होती हैं और ये छोटे छोटे ही क्या होते हैं बहुत ही वीक होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं. क्लाइंबर्स. प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड आर कॉल्ड. जो प्लांट अपने खुद से नहीं खड़े हो सकते. जो ट्री है, पेड़ है, वो खुद से खड़ा है, उसकी जड़ें मजबूत हैं, जमीन में बिल्कुल गड़ी है. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हमें स्टैंड करना पड़ता है, उन्हें सहारा देना पड़ता है, वो खुद से नहीं खड़े होते. वो होते हैं क्लाइंबर्स. दे नीड सम स्पोर्ट्स टू ग्रो अप. उन्हें किसी चीज की जरूरत है, जैसे ग्रेप वाइन, यानी कि किसकी? ग्रेप वाइन मीन्स अंगूर की बेल. पीस, मनी प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर. जो जिन्हें हम बेले बोलते हैं, उन्हें किसी सहारे की जरूरत होती है और उन्हें हमें उन्हें सहारा देना पड़ता है. हमें कोई रोप वगैरह से बांध के उस पर ही हम उनको उनको सहारा देते हैं, जिससे वो फैल सके. अब हम पढ़ेंगे क्रीपर्स के बारे में. सम प्लांट्स ग्रो अलोन द ग्राउंड. कुछ प्लांट कहाँ उगते हैं? जमीन में. दी वैसे सारे जमीन में उगते हैं, लेकिन बिल्कुल ही उस पे ही रहते हैं, जमीन पे ही पड़े रहते हैं, वो ऊपर नहीं उठ सकते, सिर्फ जमीन पे ही फैले होते हैं. दीज प्लांट आर कॉल्ड क्रीपर्स. अंडरलाइन द वर्ड क्रीपर्स. कुकुम्बर, वॉटरमेलन एंड पंपकिन आर एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स. जो कुकुम्बर होता है, खीरा होता है, वो कहाँ होता है? ग्राउंड पे ही होता है. वॉटरमेलन सबने खाया होगा, वो क्या होता है? तरबूज होता है. और पंपकिन पेठा, देखो ये पिक्चर में भी दिख रहा है आपको, क्या ये तरबूज है? ये सब क्या होते हैं? जमीन पे ही रहते हैं. इनको आप कहीं खड़े, ये खड़े नहीं हो सकते ना, इनको आप लटका सकते हो. जैसे मैंगो है, मैंगो कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं पेड़ के ऊपर, लेकिन ये कहाँ होते हैं? ग्राउंड पे ही होते हैं, जमीन पे ही होते हैं.
यूज ऑफ प्लांट। अब हमने चार प्लांट के बारे में पढ़ा था, ट्रीज के बारे में पढ़ा हमने, फिर सर्व्स, फिर हर्ब्स, फिर क्लाइंबर और ग्रीपर्स, हमने फाइव प्लांट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ा। अब इनके यूजेस क्या उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, दे गिव अस मेनी थिंग्स सच एज फूड, वुड, फाइबर, मेडिसिन, परफ्यूम्स। आपको पता है आपकी खाने पीने की चीजें, आपका साबुन, आपका तेल, आपकी दवाइयां, आपके ये यहाँ तक कि आपके कपड़े, यहाँ तक कि आपके ये बुक्स, ये सब कुछ किससे मिलता है, हमें पेड़ों से ही मिलता है। दे गिव अस पेपर, गम, रबड़, सब कुछ हमें किससे मिलता है, प्लांट से। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, हमें इनसे सांस लेने के लिए क्या मिलती है, अच्छी और शुद्ध हवा मिलती है। लेट अस लर्न अबाउट द थिंग्स प्लांट गिव्स, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो जो हमें प्लांट से मिलता है। हमें ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने चाहिए, पेड़ ही लगाने चाहिए। अब हम फूड के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट अवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट, ज्यादातर खाना हमारा कहाँ से आता है, प्लांट से ही आता है, बिल्कुल सच बात है। दे गिव अस फूड ग्रेन्स, अंडरलाइन द वर्ड फूड ग्रेन्स, लाइक वीट, राइस एंड मैजिन। अब आपका देखो ये वीट प्लांट है, गेहूं का, ये राइस है, ये मैजिन आपका क्या है, भुट्टा है, और ये आपका क्या है, पल्सेस मीन्स दालें। हमें कहाँ से मिली है, सब प्लांट से ही तो मिली है। दे गिव अस पल्सेस अंडर द वर्ड्स लाइक ग्राम, अरहर, उड़द, उड़द की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, ग्राम की दाल होती है, बहुत सारी दालें होती हैं। तो हमें सब कहाँ से मिली ये दालें, पल्सेस हमें कहाँ से मिली है, प्लांट से। प्लांट्स गिव अस वेजिटेबल, बिल्कुल सही बात है, वेजिटेबल हमें कहाँ से मिली है, मशीनों में तो कहीं से बनती नहीं वेजिटेबल, तो ये प्लांट से ही हमें क्या मिलती है, वेजिटेबल। सब जजने खा के हम क्या हो जाते हैं, हेल्दी। दीज वेजिटेबल्स आर रूट्स, ये रूट्स वाली होती हैं, ये क्या कहाँ होती हैं, रेडिस, कैरेट, पोटैटो, जिंजर, ये कहाँ होती हैं, जो रेडिस और कैरेट है ये कहाँ होती हैं, बिल्कुल मिट्टी के अंदर होती है, ऊपर सिर्फ इनके पत्ते दिखाई देते हैं जिसे हम इनको खींच के बाहर निकाल देते हैं। ये होती हैं स्टेम्स वेजिटेबल। ये पोटैटो और जिंजर ये भी कहाँ होते हैं, मिट्टी के ही अंदर होते हैं। अब दीज वेजिटेबल आर लीव्स, इन वेजिटेबल के क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, पत्ते, जैसे कैबेज के बहुत सारे होते हैं, स्पिनच तो वैसे ही पत्तों की होती है। दीज वेजिटेबल आर फ्रूट्स, ये फ्रूट्स की तरह तो होती हैं, टमाटो और लेडी फिंगर्स। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, प्लांट्स से हमें फ्रूट मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। सम फ्रूट्स आर जूसी एंड सम आर ड्राई, कुछ फ्रूट क्या होते हैं, जूसी होते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट, जबकि ड्राई फ्रूट्स होते हैं एलमंड्स, पीनट्स, ग्राउंडनट्स, वॉलनट्स, ये सारे क्या होते हैं, हमें प्लांट से ही मिलते हैं। मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे प्लांट से ही हमें मिलते हैं, जिन्हें हम खा के बड़े होते हैं। प्लांट्स गिव अस स्पाइसेस एंड बेवरेजेस, प्लांट से हमें क्या मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं और बेवरेजेस मिलते हैं। स्पाइसेस मेक्स अवर फूड टेस्टी, स्पाइसेस होते हैं जो मसाले अगर हम फूड में डाल देते हैं, उससे हमारे फूड क्या टेस्टी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। बेवरेजेस लाइक कॉफी एंड टी कीप अस फ्रेश एंड एक्टिव, जब आप कॉफी और टी पीते हो तो खुद को क्या महसूस करते हो, फ्रेश, हम खुद को क्या महसूस करते हैं, फ्रेश। तो हमें प्लांट से बहुत सारी चीजें मिलती है, ये क्या आपके स्पाइसेज हैं, कॉफी है, ये टी है, और ये शुगर है। शुगर कैन जो गन्ना होता है उससे हमें क्या क्या बनती है, आपकी चीनी बनती है, और आपकी बहुत सारी चीनी से फिर बहुत सारी मिठाइयां, पता नहीं क्या क्या बनता है आगे। तो ये हमें किससे मिलता है, सब प्लांट से। प्लांट्स गिव अस ऑयल, ऑयल भी हमें किससे मिलता है, प्लांट से। सीड्स ऑफ प्लांट लाइक ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट्स आर कस्ट टू ऑब्टेन ऑयल, जो नारियल होता है और जो ग्राउंड नट्स होती हैं, मूंगफली जिन्हें बोलते हैं, और मस्टर्ड होता है जो, और सनफ्लावर, उन सबको पीस कर अच्छे से ऑब्टेन्स करके हम उनसे हम क्या बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, जो हमारे खाने में भी काम आता है, आप अपने हेयर पे भी लगाते हो, बहुत सारी चीजों में आपके वो ऑयल काम आता है। वी यूज ऑयल फॉर कुकिंग एंड मेकिंग सोप, सोप किससे बनते हैं, इससे ही बनते हैं, ऑयल से ही। ये आपके ग्राउंड नट्स है, ये मस्टर्ड है, ये सनफ्लावर के देखो पीस है, और ये आपका इनसे क्या बना, ऑयल बना। अब फाइबर, फाइबर मीन्स कपड़ा, प्लांट गिव अस फाइबर, अंडरलाइन द वर्ड फाइबर। फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स एंड स्नैक्स, मैट्स एंड रॉप्स। अब जो फाइबर होता है उससे हम क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, सेक्स बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, रॉप्स बनाते हैं, बहुत सारी चीजें उनसे। ये कॉटन का प्लांट है, और कॉटन की क्या होते हैं, कपड़े होते हैं, शर्ट बने हुए। ये जूट प्लांट है, और जूट से क्या बनी है, रोप बनी है, रस्सी बनी है।
अब टाइम्बर, प्लांट गिव्स अस टाइम्बर और वुड, अंडरलाइन द वर्ड टाइम्बर, प्लांट से हमें टाइम्बर मिलता है और वुड भी। टाइम्बर इज यूज टू मेक मैनी थिंग्स सच एज टेबल, चेयर, एक्सेट्रा। अब आपकी टेबल चेयर किससे बनती है? टाइम्बर से, लकड़ी से बनती है। वी शुड डिस्करेज द कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर टाइम्बर। हमें क्या करना चाहिए? हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। परफ्यूम, परफ्यूम्स एंड शैम्पूस, प्लांट्स गिव अस परफ्यूम्स, अंडरलाइन द वर्ड परफ्यूम्स एंड शैम्पू। जूसेस ऑफ फ्लावर लाइक रोज, जैस्मिन यूज टू मेक परफ्यूम। जो फ्लावर का जूस होता है और जैस्मिन का, उससे हम क्या बनाते हैं? परफ्यूम बनते हैं, जिसे हम लगाते हैं अपनी बॉडी पे। द वैक्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ जोजोबा प्लांट टू इज यूज टू मेक शैम्पू। जो जोजोबा का प्लांट होता है उससे हम शैम्पू बनाते हैं, ठीक है। उसके बीजों से हम क्या बनाते हैं? शैम्पू। ये रोज आपका जैस्मिन से परफ्यूम बना और शैम्पू बना। अब आपके मेडिसिन, दवाइयां, प्लांट्स गिव्स अस मेडिसिन, प्लांट से क्या बनती है? बहुत सारी दवाइयां क्या है, बनाई जाती हैं। मेडिसिन सच एज क्विनाइन एंड पेनिसिलिन कम फ्रॉम द प्लांट्स। ये क्विनाइन और पेनिसिलिन कहां से बनती है? मेडिसिन की दवाइयां प्लांट से। द लीव्स ऑफ नीम एंड तुलसी आर यूज टू क्योर मैनी डिसीज। नीम से और तुलसी तो बिल्कुल ही हजारों बीमारियों का इलाज है। अगर आप तुलसी के पत्ते खाते हो तो बहुत ही यूजफुल है वो हमारे लिए, और हमें बहुत सारी बीमारियों से, और नीम के पत्ते भी हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखते हैं। नेक्स्ट है गम, पेपर एंड रबर। द प्लांट गिव अस गम, पेपर एंड रबर, अंडरलाइन द वर्ड गम, पेपर एंड रबर। प्लांट से हमें क्या मिलती? गम मिलती है, पेपर मिलते हैं, रबर मिलती है। द सैप ऑफ बबूल ऑल्सो कॉल्ड एकाइका इज यूज टू मेक गम। द स्टीम ऑफ बैम्बो प्लांट इज यूज टू मेक पेपर। जो बबूल का प्लांट होता है उसे हम क्या बनाते हैं? गम बनाते हैं। और जो बैम्बो होता है आपका प्लांट, उसे हम बनाते हैं पेपर। द शेप ऑफ रबर ट्री इज यूज टू मेक रबर। जो रबर ट्री होता है उसे हम क्या बनाते हैं? रबर। अब ये बबूल है, इससे हमने क्या बनाई? गम। रबर से हमने बनाई टायर, बैम्बो से हमने बनाई बुक्स। ऑक्सीजन एंड शेल्टर, प्लांट की ऑक्सीजन, अंडरलाइन द वर्ड ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। ऑक्सीजन इज द गैस विच ऑल लिविंग ऑर्गेनाइम्स ब्रीथ इन। विदाउट ऑक्सीजन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। अगर आप पेड़ ही नहीं रहेंगे, चारों तरफ फैक्ट्रियां हो जाएंगी, धुआं हो जाएगा, तो आप क्या हो जाओगे? बीमार पड़ जाओगे। तो हमें पेड़ों को कट नहीं करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वो हमारे लिए ही हेल्पफुल। आपने पढ़ा ना, हमारे सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो अर्थ पे नो लाइफ। ट्रीज आर ऑल्सो होम टू मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। बिल्कुल सही बात है, जो बेचारे बर्ड होते हैं उनके लिए कोई घर थोड़ी बने हैं हमारे इधर, जैसे हमारे घर बने हुए, उनके तो पेड़ ही घर है। पेड़ों पे वो क्या बनाते हैं? अपने घोंसले बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, उनमें वो रहते हैं। अब बहुत सारे इंसेक्ट है वो भी पेड़ों में ही रहते हैं, तो इनके क्या है, ये घर ही है। केयरिंग फॉर प्लांट्स, हमें प्लांट्स की केयरिंग कैसे करनी चाहिए? यू नाउ नो हाउ इम्पोर्टेंट प्लांट्स आर, एंड विदाउट प्लांट दे वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर देम। प्लांट्स के बिना कोई लाइफ नहीं अर्थ पे, तो हमें इनकी टेक केयर करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी शुड नॉट कट और डैमेज ट्री एंड प्लांट। हमें जो प्लांट्स को ना खराब करना चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, ना ही कट करना चाहिए। वी शुड ग्रो प्लांट ऑन वेस्ट लैंड एंड नियर आवर हाउस। आपके जो वेस्ट लैंड है वो ऐसे ही पड़े, उस पर आप प्लांट लगा सकते हो, और अपने घर के आसपास भी आप क्या लगा सकते हो? पेड़ लगा सकते हो। वी शुड नॉट पोक लीव्स एंड फ्लावर्स। आपको कभी भी क्या, पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, और ना ही फ्लावर्स को प्लग करना चाहिए, तोड़ना चाहिए, बहुत बुरी बात होती है। आपको प्लांट्स की देखभाल करनी चाहिए। डू नॉट कट ट्रीज। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर था यूजेज ऑफ प्लांट के बारे में, इसका ओरल टास्क हम करेंगे। ये आपके क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप के थ्रू। अब हम इसके कीवर्ड्स करते हैं। ग्रिपर्स, प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ग्रिपर्स वो होते हैं जो ग्राउंड में ही नीचे ही नीचे रहते हैं, वो ऊपर नहीं उठ सकते। टाइम्बर, वुड ऑफ फॉर्च्यून, सॉरी वुड ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर। सेफ जूस, सेफ मीन्स किसी चीज का जूस निकाल के उसे कुछ बनाना। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, प्लांट्स गिव अस फूड एंड फाइबर। प्लांट्स हमें क्या मिलती है?
फूड और फाइबर। प्लांट गिव अस टाइम बर परफ्यूम शैम्पू, बिल्कुल सही बात। प्लांट गिव्स अ मेडिसिन गम रबड़ पेपर, प्लांट गिव्स ऑक्सीजन, वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ प्लांट। हमें बिल्कुल अच्छे से इनकी देखभाल करनी चाहिए। हमें बहुत सारी मैनी थिंग्स कहाँ से मिलती है, हमें प्लांट से ही मिलती है। खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, सब कुछ, सारी चीजें पढ़ने लिखने की हमारी कहाँ से आई है, प्लांट से ही आई है। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, विच वन इज सर्व। सर्व क्या है? बनियन तो ये बहुत बड़ा होता है, राइस भी नहीं है, वो हर्ब होता है। तो रोज क्या है आपका? सर्व है। वी ईट द रूट ऑफ कैरेट। पेपर इज मेड फ्रॉम द स्टीफ ऑफ बैम्बो, बैम्बो से बनता है। अब ट्राई टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। स्पाइसेस मेक अवर फूड टेस्टी, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। ऑयल इज यूज फॉर मेकिंग शॉप, ऑयल से क्या बनता है? सॉप से नहीं बनता। क्विनाइन एंड पेनिसिलिन कम फ्रॉम प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है। शैम्पूज कम फ्रॉम एनिमल, एनिमल से मिलता है क्या शैम्पू? नहीं। प्लांट के मेक अवर अर्थ वंडरफुल, प्लांट से हमारी धरती क्या हो गया? बिल्कुल ही सुनहरी हो गया, बहुत ही अच्छी हो गई है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने चाहिए? प्लांट। तो आपका ये प्लांट के बारे में चैप्टर था, यूजेज ऑफ प्लांट, यूजफुल प्लांट्स की, प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल है। हमें प्लांट से मैनी मैनी थिंग्स मिलती है, खाने पीने की, पहनने की, आपका शैम्पू, आपका परफ्यूम, आपकी ऑयल, सब कहाँ से बनता है, आपकी मेडिसिन कहाँ से बनता है? प्लांट से बनता है। तो वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स, वी ग्रो मैनी मैनी ट्रीज। आप लोगों का जब बर्थडे आता है तो हमेशा एक ट्री लगाया करो अपने बर्थडे पर, उसको देखा करो वो कितना ग्रो करा, उसको अच्छे से देखभाल करा करो, उसकी टेक केयर करा करो। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्या लगाने चाहिए? प्लांट्स। होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ईवीएस का बहुत ही अच्छा था, प्लांट्स के बारे में था। आप इसको रीड करके देखना, समझना, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।